हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं वीर कुमार, आप लोगों का देसी गिटारिस्ट। और आज ये जो लेसन है ये उनको काफ़ी हेल्प करेगा। एक्सरसाइजेस बता रहा हूं इसमें बार कोड लगाने की। तो बार कोड काफ़ी लोग नहीं लगा पा रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल शुरू में तो होता ही है बिगिनर को। इस पे मेरे ऑलरेडी 2-3 लेसन हैं, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। काफ़ी लोगों को उससे भी मदद मिली है, सहायता मिली है, हेल्प मिली है। तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। लेकिन जिनको उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ है और वो भी मुश्किल लग रहे हैं, तो इस वाले वीडियो में मुझे यकीन है कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो बेहद इजी है, मतलब बच्चों वाली है। अभी कुछ दिन पहले ही गिटार उठाया, ऐसे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि लोग कह रहे थे कि बार कोड। अब मैं सोच रहा था कि यार ऑलरेडी लेसन डाले हुए हैं, क्या बताऊँगा खास। फिर गिटार उठाया, बिल्कुल बच्चे की तरह समझा, सोचा कि क्यों नहीं लगा पा रहे, क्या नहीं लगा पा रहे हैं, क्या ऐसी हेल्प कर सकता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल ही जो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उनको थोड़ा सा मदद मिल जाए। जो पहले वीडियो है मुझे पता है उसमें मैंने काफ़ी कुछ बोला हुआ है जो सत्य है, सच है, फैक्ट भी है कि थोड़ा सा टाइम लगता है बार कोड को पकड़ने में, समझने में, एक्सपीरियंस करने में। तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप ओपन कोड शेप ले लेते हो अभी, लेकिन फिर उसके बाद आप जब करते हो, तो इस वाले वीडियो में मैं चलो अब बात ना करते हुए एक्सरसाइजेज आपको बताता हूँ, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सीखना, देखना शुरू करना, बिल्कुल तसल्ली से ये करना, आई एम श्योर 101% ये आ ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको लगानी ई मेजर शेप, ये ई मेजर होता है ना, तो बार कोड में हम क्या यही तो अप्लाई करते हैं। तो ये ई मेजर शेप, बस हम फर्स्ट फिंगर, बार फिंगर को फ्री कर देते हैं। तो फिर क्या होता है ये देखो, आप मैं 5th फ्रेट पे ही रख रहा हूँ। इधर जाता हूँ तो थोड़ा सा हैंड एडजस्ट करना पड़ता है, इस पे भी मेरा वीडियो है, ये चिपका कर नहीं रखना है। आई एम श्योर ये सारा कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी नहीं लगा पा रहे। आपको चाहिए इस वीडियो में एक्सरसाइजेस, तो एक्सरसाइज आपको मिल रही है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये करना है इस उंगली के बारे में, फॉरगेट अबाउट दिस फिंगर, इसको भूल जाओ, सिर्फ आपको ये करना है, ई मेजर है ना, तो बस ये। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ये है, इसको पहले फतेह इस पे हासिल करो। ये राइट हैंड से, ये पूरा देखना सभी स्ट्रिंग का साउंड आ रहा है। अब ऊपर की भी बजा रहा हूं, कुछ लोग ऐसे कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये ऊपर टच हो गई है तो इसका साउंड बंद कर देगा, ये नहीं करना है। तो सबसे पहले इसको पक्का करो, ठीक है, फिर उसके बाद ओपन कोड निकलेगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ये आपकी, फिर इसको ऐसे, ये उनको भी काम करेगा जो कहते हैं ना बारकोड पे हम स्विच नहीं कर पाते, फ्रेट टू फ्रेट ऊपर नीचे नहीं चल पाते, तो ये सब कुछ है यार इस वीडियो में, देख लो आप, एक्सरसाइज काम करेगी। ऐसे करो, तो ये एक्सरसाइज है पहली आपकी। मैं थंब से प्रेस कर रहा हूं, प्रेशर डाल रहा हूं फिंगर्स पे, स्ट्रिंग्स पे, तब जाके होते हैं। इस फर्स्ट फिंगर का भी कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ यही करना है, ठीक है। तो फिर दोबारा 5th फ्रेट पे आ जाओ, 5th फ्रेट मतलब ये इस पे है मेरी 6th पे और 7 पे है, ठीक है, मतलब ए मेजर बार कोड ले रहे हैं ना हम, तो इस पे आ जाओ दोबारा। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई ये आपकी, ये करना है। अब जिसकी ये बहुत ही बेहतरीन निकल रही है, अब क्या करना है, आपको ऐसा रख देते हो तो ये होता है ना आपसे, इसलिए आप चाह रहे हो कि आप बारकोड प्ले करो। तो अब क्या करना है, इतना आपसे प्ले हो रहा है तो अब सिर्फ ये फर्स्ट फिंगर से, अब काफी में बताया हुआ तिरछी रखना, ये रखना, वो रखना, बहुतों को काम नहीं आता, काम नहीं करता। अब यकीनन कुछ ना कुछ मतलब नए हो, फिंगर भी है अपना, हमारे बोलने से काम नहीं करती, काफ़ी दिक्कतें होती है बिगिनर को। तो अब क्या करना है, सिर्फ आपको लक्ष्य करना है किसका, सिर्फ इन दोनों स्ट्रिंग्स को संभालना, बाकी की जी ये 3 स्ट्रिंग तो हमने ई मेजर से संभाल रखी है, ई मेजर शेप से, ठीक है। फिर तो फिर बस अब मुझे ऊपर नहीं रखना है, अभी ऊपर नहीं रखना, सिर्फ ये नीचे से मैं सिर्फ ये दोनों ई और बी को टारगेट करूँगा, ये ऐसा उठा रहेगा, ठीक है। तो अब हमारी कितनी हो गई, लो लगा लिया बार कोड, कितना मुश्किल है, 5 स्ट्रिंग की आवाज आ रही है। फिर ऐसा हटा लो, ई मेजर, फिर ये भी एक्सरसाइज है। तो
अभी स्ट्रमिंग नहीं प्ले करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हटा ली, फिर रख लो 1 2 3, तो ऐसे चेक करते रहना इनका साउंड म्यूट ना हो, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत काम करेगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे हो जाए, फिर आप इस फिंगर पे, फर्स्ट फिंगर पे आपका स्ट्रेंथ बनेगा और ये सभी सभी फिंगर पे काम करेगा। सिर्फ आपको क्या, इससे क्या टारगेट हासिल करना है, नीचे की दो स्ट्रिंग और ऊपर की, बस। जिससे ये भी नहीं हो रहा है तो आप ई मेजर की जगह ई माइनर कर दो। ई माइनर हम ऐसे लेते हैं ना, लेकिन आपको यहां पर ई माइनर लेना है ऐसे, ये दोनों फिंगर से सिर्फ। अब ये तो दबा लोगे, ऐसे करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे आगे पीछे करते रहो। फिर उसके बाद अब सिर्फ ये फिंगर ऐड करना है, और इसमें भी ऐड क्या करना है, नीचे से दबानी सिर्फ। ये कर लोगे तो हमने दो नीचे की प्रेस की हुई है और डी और ए स्ट्रिंग ऐड करी हुई है, इसका साउंड आपको नहीं आएगा। हाँ, अगर अच्छे से दबाओगे तो ही आएगा, ठीक है। आप थोड़ा प्रेशर डाल सकते हो, क्योंकि ये फिंगर खाली है। कुछ लोगों को ये इजी लगेगा, कुछ लोगों को ये इजी लगेगा ए माइनर बार, तो इस पे। अब जो अगली एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूं, ये उस पे काम करेगी जिनसे ये दोनों भी नहीं हो रही है, ये दोनों भी बार कोड नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो है ये वाली, यार काम करनी ही चाहिए 101%। अब क्या है, ई मेजर शेप थी, उठा के बस नीचे रख दो, ये सेवंथ फ्रेट पे है ना, ये ए माइनर शेप है, ए माइनर होता है ना ये, ए माइनर, तो बस अब यही शेप है, ऐसे रखेंगे, यही शेप है ए माइनर की, हमें यहां रख देनी है। देखा क्या मस्त आवाज आई, ऐसे करके पहले प्रैक्टिस कर लेना आगे पीछे, ये आपको क्लियर आवाज आनी चाहिए, तब जाके आपको कोशिश करना चाहिए किसी बार कोड का। अब क्या है, सिर्फ अब एक स्ट्रिंग का लक्ष्य है बार कोड प्ले करने के लिए, वो क्या है, अब अगर इस फिंगर से अब आप एक स्ट्रिंग भी नहीं दबा पाओगे, फिर क्या यार, खाक गिठा हो जाओगे, मतलब लानत है फिर तो। अब क्यों, क्योंकि सभी स्ट्रिंग से आपको ट्रिकी तभी लगता है ना कि यार मैं 5 5 6 6 स्ट्रिंग कैसे दबा दूं। अब एक स्ट्रिंग है, अब कुछ ना कुछ करके आपको ये हासिल करना ही पड़ेगा ना, बस ये ऐसे हटा दी, सबकी आवाज आ रही है, अब इसकी भी कर देते हैं, बस दबा दी, उठाई हुई है, आगे हम मस्त आवाज, क्या क्या जाता है बताओ, ऊपर की मैं दबा ही नहीं रहा हूं। तो ये उनके लिए जिन पे किसी पे भी काम करेगा, 1 2 मिनट के अंदर आप बारकोड प्ले कर लोगे जो आज तक नहीं कर पा रहे थे। ऐसे चेक करते रख लो कि साउंड कट तो नहीं रहा है, गंदा आवाज उसी का आएगा जिसने ठीक से अपना कर्म नहीं निभाया है और मतलब दबाई नहीं है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को दबाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा आवाज आएगा, देखो ऐसे पीटोगे, पीटना नहीं है, एक मस्त, चाहे कितनी भी बेसिक स्ट्रमिंग करो, चाहे डाउन डाउन, ठीक है। तो ये भी प्ले कर लो, कुछ भी प्ले कर लोगे तभी मजा आएगा जब स्ट्रिंग अच्छे से दबी हुई होगी, प्रेस होगी, ठीक है, ये कर लोगे आई एम श्योर। अब क्या करना है, अब वही जो ऊपर बताया था मैंने, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक्सरसाइज है, ये रख लेना, छोड़ देना। अब ये वाला सबसे इजी लगेगा, तो आप ऐसे ही बी माइनर लेते ना, हम ऐसे बी माइनर ले लेना, ये एक्सरसाइज करना है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ना है, अभी इसको हाथ को नहीं चलता है तो छोड़ देना, ऐसे 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 प्रैक्टिस करना, ठीक है, 1 2 3 4, और बेस्ट होगा अगर आप ऐसे याद करो तो, बी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, ठीक है, ऐसा आपको याद भी हो जाएगा फ्रेटबोर्ड और मस्त होगा, डी माइनर है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आ गया होगा, आना ही चाहिए। अब तो ऐसा कुछ जादू नहीं है इसमें, मैजिक नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही होगा, अभ्यास से ही होगा। पुराने पिछले कई वीडियो में मैं ये बोल चुका हूँ जो बारकोड से रिलेटेड है, और इवन सब कुछ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर मतलब यार अब प्रैक्टिस करना चालू करो, खुद से ही करो, ज़्यादा लेसन के पीछे भी मत भागो कि हाँ ये नहीं हुआ या मुझे ट्रिक काम नहीं है। कोई भी ट्रिक 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में काम नहीं करती। लकीली कुछ लोगों के लिए कर जाती है, कुछ लोगों के लिए नहीं कर पाती है। हर सबका दिमाग अलग अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, प्रैक्टिस का तरीका अलग होता है, गिव अप करने का तरीका अलग होता है, जल्दी कर छोड़ देते हैं, बोरिंग लग जाता है। मोटिवेट रखो, प्रैक्टिस करते रहो, प्ले करते रहो। बार कोड कोई ऐसा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है कि नहीं आ पाएगा या फिर कितना टाइम लगता है। टाइम मैं बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है, जैसे बोला अभ्यास पे प्रैक्टिस पे ही होता है। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, दिल से प्रैक्टिस करेगा, लगन है, वो जल्दी सीख जाएगा, लगा लेगा। जिसको नहीं आ रहा है, बाकी टेक्निक तो हम बता ही देते हैं कि क्या तरीका है क्या नहीं है। जो 100% कर रहा है, थकान हो जाती है तब भी फिर भी प्रैक्टिस करता है, लगन है, उस चीज़ को लगन कहते हैं, डेडिकेटेड है, तो वो 10-15 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ते में आराम से कर लेगा। बाकी दूसरा बहाने मारता रहेगा, कुछ नहीं होगा, तो वही है। दूसरा ये बता देता हूँ जो नॉर्मल है, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, जो कब जब सिखाता था लोगों को तो तब ये था कि बारकोड का क्या होता है कि थोड़ा सा जब हम ओपन कोड से फैमिलियर हो जाते हैं, बहुत आसानी से लग जाते हैं, हमसे कोई भी स्विच कर लेते हैं, तो फिर ये बारकोड लगाना इजी होता है। बस यही चीज़ है। तो जब आप ये चीज़ें अब कोई भी वीडियो उसके लिए काम नहीं करेगा जो अभी 5-10 दिन हुए हैं सीखते हुए और इससे ही स्ट्रगल कर रहा है कि ए डी, और फिर कहेगा अरे छोड़ मैं तो सीधा बारकोड लेता हूँ, फिर वो काम नहीं करेगा। तो ये है 2-3 महीने जिसके लिए हो गए, कम से कम 3 महीने हो गए हैं जिसको सीखते हुए बहुत अच्छे से ये प्ले कर लेता है ओपन सभी कोड्स। फिर उसके लिए बारकोड लगाना बच्चों का खेल हो जाएगा, मतलब बच्चों का खेल मतलब फिर समझने लगेगा ये जो टेक्निक बताई है, एक्सरसाइजेस बताई है, तो ये एक्सरसाइजेस करना, ठीक है? तो सिर्फ ये ऐसे करो, ऐसे करो, 1 2 3 4 ऐसे। तो ये मजबूत होना चाहिए सबसे पहले। तो जिनकी भी आवाज कटती है तो वे सोचते हैं कि ये फिंगर अड़ंगा डाल रही है, क्यों? क्योंकि हम ओपन शेप ले लेते हैं। लेकिन मेन आपको ये देखना है कि ये इनकी भी साउंड अच्छा आता है या नहीं आता। तो विद इन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स में आप ये प्ले कर ही लोगे, ठीक है? कि कहीं से भी प्ले कर लोगे। फिर जरूरी नहीं है तिरछी रखना, सीधी रखना, हर तरीके से इंसान रखता है। मैंने ये बता दिया ना कि ऐसा रखने के बाद आप ऐसे रखोगे, सिर्फ अब आपको एक स्ट्रिंग ही दबाना है। लो प्ले कर लिया बार कोड, अब ऊपर प्ले मत करना ये, क्योंकि इनका गंदा आवाज आएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ जो स्ट्रिंग प्रेस कर रहा हूं सिर्फ वही प्ले कर रहा हूं। तो यही एक्सरसाइज है, ये करते रहो 10 दिन, 1 दिन में आप ये एक्सरसाइज करते रहोगे जो भी मैंने बताई है। ये अगर आपने ये एक्सरसाइज अगर आपने आधे घंटे भी कर ली 1 दिन में, वैसे तो 15-20 मिनट भी कर सकते हो, करनी ही चाहिए कम से कम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम आधे घंटे या 20 मिनट भी कर ली, तो यकीनन आपको बार कोड बिल्कुल ऐसा इजी लगने लगेगा, और लगने लगेगा पहले दिन से ही कि बस मैं 1-2 हफ्ते में मुझे बार कोड बिल्कुल ही खेलने लगूंगा मैं। तो इस लेसन को और लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे भी बताना, ऐसे ही आ जाता है यार इसका, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन एक्सरसाइजेज हाँ मैंने दे दी, निकालनी पड़ी, क्या करूँ, फिर उसी दिमाग से समझना पड़ता है कि क्या नहीं दिया है। तो ऐसा ही है, बाकी दूसरे लेसन भी आप देख लेना बार कोड से जो पहली बार इस लेसन तक पहुँचा है, सर्च करोगे मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है? बार कोड पर लेसन है, कॉन्सेप्ट लेसन है, बार कोड लेसन है, बाकी इसमें एक्सरसाइजेज है। ये एक्सरसाइज बहुत काम करेंगी, काम करे तो बताना नीचे कॉमेंट्स करके, हर एक का कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। काफ़ी लोग, एक ने नाम लेने के लिए बोला था, उसका नाम लेके क्या यार, आप तक मेरे मुझ तक आपके दिल की बात पहुंच गई, और उम्मीद करता हूँ लेसन के जरिए, मेरे जरिए आप लोगों तक भी बात, आप लोगों को प्यार देता हूँ, आपका प्यार मुझ तक पहुँच जाता है, मेरा प्यार आप तक पहुँच जाए। तो खुश खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, मिलता हूँ जल्दी।